मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजू हेयर। इन प्रीवियस वीडियो वी डिड सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 8, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये दोनों टॉपिक हम कर चुके थे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जैसे फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्युबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। So today we will discuss about chemical properties of metals. Chemical properties of metals. Metals differ in their ability to react with some other substances like air, water, acids and bases. First topic is action of oxygen on metals. Metals react with oxygen to form oxides, which are generally basic in nature and turn red litmus blue. For example, if magnesium react with oxygen, it gives MgO, magnesium oxide. Sodium plus oxygen gives sodium oxide. Zinc plus oxygen gives ZnO, that is zinc oxide. Metals like sodium and potassium react with oxygen readily and form their oxides, so they are stored in kerosene. मतलब sodium और potassium जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से oxygen के साथ react कर जाता है, इसीलिए उसको kerosene के अंदर store करके रखा जाता है। Magnesium, iron and aluminium react slowly with oxygen. When left exposed to air for a long time, they get tarnished, lose their luster as they form an oxide layer on them as a result of a reaction with oxygen present in the air. इसका example आपने देखा भी है, जैसे जो हमारे iron जो articles होते हैं उन पर rust लग जाता है, तो वो rust किसके कारण लगता है, क्योंकि जो iron होता है वो react कर जाता है oxygen और moisture के साथ, water के साथ. So when magnesium ribbon is burnt in air, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैग्नीशियम रिबन वाला एक एक्टिविटी थी जो हमने की थी पहले। मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, इट बर्न्स विद अ शाइनी वाइट फ्लेम, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद वाइट लाइट एंड प्रोड्यूसेस अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब अगर इसको हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को, तो एक वाइट कलर का पाउडर यहाँ पे ऐश प्रोड्यूस हो जाता है, जिस जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। टेक द पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट। अगर हम इस पाउडर को इकट्ठा करके उसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर की डालें, तो अगर हम इसको लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट करके देखें तो ये क्या होगा इसमें, डज इट टर्न ब्लू, ब्लू कलर का हो जाता है, वाई क्यों होता है ऐसा ब्लू कलर का। दिस शोज दैट द सोल्यूशन ऑब्टेन इज बेसिक इन नेचर। मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन दे आर स्ट्रॉन्गली हीटेड, बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर रस्ट बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मॉइस्चर। कॉपर एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉपर के अंदर, कॉपर जब मिक्स हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 ऑल्सो गिव्स CuOH twice प्लस CuCO3। आयरन रस्ट स्लोली इन मॉइस्ट एयर एज आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड वाटर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट Fe, अगर आयरन के ऊपर आयरन अगर मिक्स हो जाए ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ या फिर वाटर के साथ, तो वो ऑक्साइड लेयर बना देता है अपनी, Fe2O3 प्लस H2O। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोजन द मेटल्स आर कॉल्ड रस्टिंग। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस ऑल्सो फॉर्म। मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट मोर विगरसली विद वाटर। अगर कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा अच्छे से वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सम सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ऐसे ही
K. Potassium plus H2O gives KOH plus H. मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉयलिंग वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. अगर हम इसकी रिएक्शन को देखें, मैग्नीशियम प्लस वाटर H2O gives MgO plus H2. रेड हॉट आयरन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम मीन्स गैस टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. आयरन प्लस H2O स्टीम गिव्स Fe3O4 plus H2. मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम एंड आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल मेटल्स. सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम ये तीनों जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टीम के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है. नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स. व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, एफरवेसेंस और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी. सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म मीन्स अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवा दें तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, सॉल्ट. कोई भी सॉल्ट बन जाता है मेटल और एसिड को रिएक्ट करवा के, सॉल्ट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है. ठीक है, सो कुछ मेटल्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, आयरन, ये सभी रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से. ठीक है, एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं. जैसे अगर हम HCl की बात करें, एसिड क्या है यहाँ पे, HCl. HCl को रिएक्ट करवाएं Mg के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg और Cl हो जाएगा, MgCl2 प्लस जो H है हाइड्रोजन गैस वो बाहर निकल जाएगी. एल्यूमिनियम के साथ अगर HCl की करवाएं तो क्या होगा, AlCl3 प्लस H2. Zn के साथ H2SO4, H2SO4 इज ऑल्सो एसिड, एन एसिड. जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. सोडियम प्लस HCl, NaCl प्लस H2. Fe, आयरन प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2. मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल्स, बेसिस का क्या रिएक्ट करवाता है, ये क्या रिएक्शन होता है बेसिस का मेटल्स के ऊपर. मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस. एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यहाँ से भी इवोल्व होती है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और साथ में कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O गिव्स NaAlO2 प्लस H2. Zn की बात करें तो Zn प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स K2ZnO2 प्लस H2. मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अ वीक बेस. वीक बेस के साथ नहीं रिएक्ट करता, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना. ठीक है, सो बिफोर वी डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो उससे पहले हमें कुछ सीरीज पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की. जैसे यहाँ पे टेबल में दी हुई है, सॉरी, जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी अप से डाउन की तरफ. मतलब कि जो ऊपर मेटल है, जो ऊपर एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, बजाय कि नीचे वाले के. जैसे कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो. सो देखो क्या होता है, इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखो, आयरन है, आयरन प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4. अब देखो Fe कहाँ है और Cu कहाँ है,
पहले यहाँ पे देखेंगे Fe कहाँ है, दिस इज Fe एंड Cu कहाँ है, यहाँ पे। तो देखो Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो Fe है वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को उसके सॉल्ट से। तो देखो सॉल्ट क्या है, यहाँ पे CuSO4 है ना, तो ये Fe Cu को अलग कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe के साथ तो आ जाएगा SO4 और ये जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम और कॉपर की बात करें, मैग्नीशियम कहाँ है और कॉपर कहाँ है, मैग्नीशियम है ये और कॉपर कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो मैग्नीशियम क्या करेगा कि कॉपर को अलग कर देगा और जो इसका सॉल्ट है वो उसके उसको अपने साथ ले लेगा। तो MgSO4 प्लस Cu। ऐसे ही जिंक और कॉपर, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक के साथ सल्फेट आ जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। सो अ लेस रिएक्टिव मैटर ऑन द अदर हैंड कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अगर हम इसका उल्टा कर देते, अगर यहाँ पर हम कॉपर ले लेते और यहाँ पर हम Fe ले लेते, तो ये पॉसिबल हो सकता था? नो, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड जिंक सल्फेट। इसीलिए आयरन और जिंक सल्फेट की रिएक्शन नहीं होती, कॉपर और मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन नहीं होती। अगर इस टाइप की रिएक्शन हो, जैसे कि Fe प्लस ZnSO4, Fe कहाँ है, Fe और Zn कहाँ है, नीचे, सॉरी ऊपर, ठीक है। तो Fe नीचे है और Zn ऊपर है, ठीक है। तो Zn तो ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe कम रिएक्टिव है, तो जो ये कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। Zn कम रिएक्टिव है Ca कैल्शियम से, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। सो दिस इज़ अवर पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।